ग्रेटर नोएडा में कल शाम हुई पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया जबकि एक एसआई घायल हो गए थे। लेकिन अब इस प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि सुमित गुज्जर निर्दोष था जिसे पुलिस ने जबरदस्ती उठाया। उस पर 30 सितंबर से पहले कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर उसकी पुलिस प्रशासन ने हत्या की है। इनामी बदमाश सुमित गुज्जर के परिजनों ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। सुमित के परिजनों ने इस मामले को लेकर आज नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से लेकर कालिंदी कुंज तक पूरा रोड बंद कर जाम लगा दिया और जमकर बवाल काटा। सुमित के परिजनों का कहना है कि जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला तो सुमित को घर से उठाकर 50,000 का इनाम घोषित कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया जबकि सुमित निर्दोष था। मुठभेड़ में मारे गए इनामी बदमाश सुमित गुज्जर को लेकर पुलिस ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक बीते दिनों वैन से कैश लूट के साथ ड्राइवर और गार्ड की हत्या में सुमित संलिप्त था। जबकि परिजनों का कहना है कि बीते 30 सितंबर से पहले तक सुमित के ऊपर किसी तरह का कोई पुलिस केस दर्ज नहीं था। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मेरे बेटे का इन्होंने मर्डर कर दिया जी पुलिस वालों ने। क्या नाम? सुमित कुमार। मैं उनका ताऊ हूँ जी। एक भी मुकदमा उस पर तो उस पर हमारे पूरे परिवार पर ऑल इंडिया में कोई बता दे तो मैं यहाँ आत्मदाह कर लूंगा। क्या मानते हो जो किया गया पुलिस द्वारा? ये गलत है बिल्कुल। मेरे बेटे का मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया मेरे बेटे का। हमारी मांग ये है सीबीआई जांच हो और हम न्यायिक जांच हो और इनके खिलाफ इनके मुकदमा दायर हो। ये मेरे बिल्कुल भाई हैं और इस पर यूपी के बाद छोड़ दो, ऑल इंडिया में अगर कहीं भी कोई भी इस पर 151 की धारा में कोई मुकदमा पंजीकृत हो तो उसके हमको नकार है। इस पर कोई मुकदमा नहीं है। ये बिल्कुल सामान और साधारण व्यक्ति और किसान था, अपना जो है रखवाली करता था अपनी मक्की की। और ये 30 तारीख में बालैनी स्टैंड से उठाया, वहाँ कम से कम 50-100 लोगों का तांता लगा जिसे उठाया। एक मोबाइल था एक दुकानदार का, उसके हाथ में था, उसे भी लेकर चली आई पुलिस। कल तक और दो दिन तक हमें कुछ पता नहीं लगा। परसों पुलिस ने रेड दी रात के 11 बजे, बोला कि तुम्हारा लड़का फरार है, हमारे पास नहीं है। मगर नहीं, तुम लेके गए हो 3 दिन पहले, ठीक है जी। और कल रात उसका एनकाउंटर दिखा दिया। हमारा थाना है वो, सुनो, ऑल यूपी में जितने भी थाने हैं कहीं से भी जांच करें, अगर कहीं भी इसका कोई कहीं भी रिकॉर्ड पाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारी सीबीआई जांच हो, जब तक सीबीआई जांच के हमें आश्वासन नहीं मिला तब तक हम नहीं जाएंगे, चाहे हमें यहाँ 10 दिन हो जाए। और हमारे कई हजार लोग आ रहे हैं, पूरा काम हमारा बस ये। और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते।